ख्वाबों की ताबीर के आपके फेवरेट चैनल ड्रीमलैंड से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है सपने में, ड्रीम या ख्वाब में किबला यानी सम्मते नमाज का देखना। अगर किसी भाई बहन ने, किसी व्यक्ति ने सपने में देखा कि वो मशरिक की साइड पर अपना रुख करके नमाज पढ़ रहा है, तो इसका अर्थ है कि सपना देखने वाला अपने धर्म से हटकर लाइफ बिताएगा। सपने में मशरिक की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना, इसका अर्थ ये भी होता है कि सपना देखने वाला झूठ बोलेगा, लोगों पर बोहतान लगाएगा, गुनाहों में बेबाक होगा। सपने में किबला छोड़कर किसी और साइड पर मुंह करके नमाज पढ़ना, गुनाह करना, बुरे लोगों से दोस्ती करना, अच्छे लोगों का साथ छोड़ना, झूठ बोलना, फ्रॉड करना और धोखा देना है। सपने के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने देखा कि वो मगरिब को छोड़कर यानी किबले को छोड़कर किसी और साइड पर मुंह करके नमाज पढ़ रहा है, इसका मतलब है कि बिदात का इर्तिकाब करेगा। अगर किसी व्यक्ति ने देखा कि वो किबले को पुश्त करके नमाज पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि झूठी कसम खाएगा, किसी औरत पर झूठी तोहमत लगाएगा, या इस्लाम के हुक्मों को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपना लेगा या उस धर्म के लोगों को दोस्त बनाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने सपने में देखा कि उसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और वो किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत जल्दी हज करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपका सपना आपके लिए अच्छी व्याख्या बने। अनुमति चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए सपने की व्याख्या के साथ।